नमस्कार दोस्तों, मनी और मजा में स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं आयुष्मान भारत योजना के बारे में। क्या है ये योजना, इस योजना का किन किन लोगों को फ़ायदा मिलने वाला है, किन किन लोगों को फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, ये सब बातें इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर लीजिए। आइए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आयुष्मान भारत योजना, सरकार ने हाल ही में इस योजना को लागू किया है। आयुष्मान भारत योजना ये एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। इसे देश की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर स्कीम के तौर पर सरकार ने पेश किया है। इस योजना का फायदा देश के 10 करोड़ गरीब परिवारों को मिलने वाला है और देश के 50 करोड़ लोगों को मिलने वाला है। 50 करोड़ लोग मीन्स उसी 10 करोड़ परिवारों में से 50 करोड़ लोग, किसी फैमिली में 5 लोग होंगे, किसी फैमिली में 10 लोग होंगे, इस तरीके से 50 करोड़ लोगों को फायदा मिलने वाला है। अब ये 50 करोड़ लोग कौन से, इसकी बाकायदा सरकार ने एक लिस्ट बनाई है 50 करोड़ लोगों की, उनको इसका फायदा मिलने वाला है। ये लिस्ट में आपका नाम है या नहीं है ये आप आयुष्मान भारत योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। इस योजना में 5 लाख रुपए तक का हेल्थ बेनिफिट कवर रहेगा एक साल का, एक मतलब फैमिली फ्लोटर रहेगा, एक फैमिली को साल का 5 लाख रुपए तक का बीमारियों का इलाज कराने की छूट रहेगी फ्री में। एक फैमिली साल में 5 लाख रुपए तक का बीमारियों का फ्री में इलाज करा सकती है। ये योजना देश के 29 स्टेट्स में लागू की गई है। देश के कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जहाँ पे ये योजना लागू नहीं की गई है, वो स्टेट्स हैं दिल्ली, केरला, तेलंगाना, पंजाब और ओडिशा, यहाँ पे ये स्कीम आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं है। मे भी हो सकता है कि वहाँ की पर्टिकुलर गवर्नमेंट को ये स्कीम पसंद नहीं आई होंगी, उन्होंने अपने स्टेट्स में लागू नहीं किए, वॉट एवर रीज़न हो सकता है, बट वहाँ पे ये लागू नहीं है। उसके अलावा भारत भर में ये स्कीम लागू। इस योजना में देश के 10,000 से भी ज़्यादा हॉस्पिटल्स शामिल किए गए हैं, जिसमें सरकारी अस्पताल भी हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं। आपको इस योजना का बेनिफिट लेने के लिए आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सिंपली जाना पड़ेगा और वहाँ पे आपको आयुष्मान मित्र या फिर आयुष्मान मित्र हेल्प डेस्क, उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। योजना में 1300 से भी ज़्यादा बीमारियाँ शामिल की गई हैं, जिसमें बड़ी बीमारी जो है वो है हार्ट की बाईपास सर्जरी, कैंसर की सर्जरी, आँख या दांत का ऑपरेशन, सीटी स्कैन, एमआरआई, ऐसी तमाम बीमारियाँ इसमें शामिल हैं। और सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है इस योजना से रिलेटेड। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उस नंबर पे कॉल करके भी आप उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। वो नंबर है 14555। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, 14555। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको आयुष्मान भारत योजना के बारे में पता चल गया होगा क्या है योजना और किन किन लोगों को इसका फ़ायदा मिलने वाला है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर देना। बाय। हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए मनी और मजा यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।